परमेश्वर के धन्य नाम को सारी महिमा मिले। आप सबका मसीह के नाम से अभिवादन करते हैं। एफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वाक्य हम मनन कर चुके हैं। वहां लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। साथ में हम 14वां वाक्य भी देखें, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इन अनुग्रहित वाक्यों के आधार पर हम इस दुष्ट समय में मसीह की ज्योति पाएं, इस विषय पर मनन करें। हम बुरे समय की एक और विशेषता ऐसा देखते हैं कि वो अंधेरे से भरा होता है। हम देखते हैं कि आज मनुष्य अंधेरे में फंसा है, अंधकार भरा जीवन जीकर पाप के अधीन हो गया है। कुछ हद तक मनुष्य इस बात को पहचानता है, शायद इसीलिए आज के दिन में मनुष्य दीपों को जलाकर उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश करता है। पुराने समय के विद्वानों को यह बात अच्छे से पता थी, तभी उन्होंने हृदय में प्रार्थना करी, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से उजाले में ले चल। लेकिन आज भी वही प्रार्थना बोली जा रही है। हर कोई इस अंधेरे में से निकलकर उजाले में आना चाहता है, लेकिन फिर भी भलाई की इच्छा रखने के बावजूद बुराई करता है। सभी को प्रेम करने की इच्छा रखने के बावजूद गुस्से में कठोर बातें बोल जाता है। साल में एक दिन नहीं, लेकिन हर एक दिन भी अगर हम दिया जलाएं तो भी ये अंधेरा दूर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया अंधेरे के अधीन है। एक व्यक्ति है जिसने समय को दो भाग करके ईसा पूर्व और ईसा पश्चात में बदल दिया। वो व्यक्ति आज से करीब 2020 साल पहले धरती पर जन्म लेकर इस धरती में आया, और सिर्फ उसी ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये यीशु मसीह थे जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। उन्होंने अंधेरे को नष्ट कर मानव जाति को उद्धार का मार्ग दिखाया और कहा कि वही ज्योति है। इसका कारण हम देखते हैं कुलुसियों की किताब उसके पहले अध्याय उसके 13वें वाक्य में, जहां लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पहले पत्रस की किताब उसके 2 अध्याय 9वें वाक्य में हम सीखते हैं कि यीशु ने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मसीह को पहचाने बिना मनुष्य हाथ में दिया लिए सालों साल इंतजार कर रहा है कि उजाला आएगा। मनुष्य प्रकाश चाहता है, लेकिन अंधेरे में फंसता जा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि परमेश्वर प्रकाश है, लेकिन परमेश्वर सूरज नहीं। परमेश्वर प्रकाश है, लेकिन परमेश्वर चंद्रमा भी नहीं। मनुष्य चाहता है कि वह अंधेरे से उजाले में आ जाए, लेकिन उजाले की खोज में वो परमेश्वर की बजाय उसकी सृष्टि रूपी सूरज और चंद्रमा की आराधना करता है, उसके आगे सर झुका रहा है। आज मनुष्य की प्रार्थना उस सृष्टिकर्ता तक पहुंचने की बजाय उसकी सृष्टि तक ही रुक गई है। यही अंधकार की विजय है, लेकिन मनुष्य की प्रार्थना तमसो मा ज्योतिर्गमय का उत्तर देते हुए साक्षात प्रभु इस धरती पर मनुष्य के रूप में ज्योति बनकर आए। इसलिए जो उसे खोजेगा उसको प्रभु उसकी जाति, उसका कुल या उसके रंग या किसी भी प्रकार का भेदभाव करे बिना उसके लिए रोशनी बनकर परमेश्वर का मार्ग दिखाएगा। लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 78 और 79वां वाक्य ऐसा कहता है, हमारे परमेश्वर की कोमल अनुग्रह से एक नए दिन का प्रभात हम पर ऊपर से उतरेगा, उन पर चमकने के लिए जो मौत की गहन छाया में जी रहे हैं, ताकि हमारे चरणों को शांति के मार्ग की दिशा मिले। प्रियजनों, साक्षात मसीह ने हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाया, उसने ज्योति बनकर हमारा उद्धार किया। जिस प्रकार से यशाया भविष्यवक्ता की किताब उसके 9वें अध्याय के 2 वाक्य में बताया गया है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज जब मनुष्य सही प्रकाश क्या है इसे नहीं पहचानता और अंधेरे के बंधन में फंसता जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हम जो प्रभु का उजियाला लेकर चलते हैं इस अंधेरे के युग में प्रभु की ज्योति बांटे तो कितना ही भला हो।
जिस प्रकार से सूरज से रोशनी ग्रहण कर रात को चांद रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार से मसीह से उस प्रकाश को ग्रहण कर चंद्रमा के समान इस धरती में हम रोशनी फैलाने वाले बने। आइए हम उस मसीह के प्रकाश को इस अंधेरे से भरे जगत में फैलाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपका दिन पवित्र हो, आशीषमयी हो। जय मसीह की।